इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कीबोर्ड के शॉर्टकट की के बारे में। तो आप भी यूज करते हो पीसी या लैपटॉप, लेकिन कई सारे जो लोग हैं वही कीबोर्ड में शॉर्टकट की मदद से कम समय में काम कर लेते हैं। तो गाइस इस वीडियो में आपको 20 कीबोर्ड की शॉर्टकट की बताऊंगा कि इस शॉर्टकट की मदद से आपको कम समय में काम भी हो जाएगा और इस कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही आपको काम भी आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है वही है कंप्यूटर को ऑफ करने के लिए। गाइस आपको जो कंप्यूटर को ऑफ करना है, बंद करना है, तो आप क्या करते हो, तो गाइस आपको जो माउस है आपको स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको कंप्यूटर को शट डाउन कर लेते हैं। लेकिन आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की से करना है तो कैसे कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको कीबोर्ड में अल्टर F4 को प्रेस करना है और अल्टर F4 प्रेस करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो आपका जो कंप्यूटर है वही आपको ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाएगा। तो इस तरह शॉर्टकट की से आपको पीसी को शट डाउन कर सकते हो। तो आपको गाइस कीबोर्ड में अल्टर F4 को प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की था, तो चलिए मैं दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा दूसरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है वही हमारा प्रोग्राम को स्विच करने के लिए। गाइस कई सारे जो आपने जो प्रोग्राम ओपन करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, एक्सेल, नोटपैड, लेकिन आपको इस प्रोग्राम में वही आपको कीबोर्ड से ओपन करना है, तो आपको अल्टर को टैब प्रेस करना है। तो चलिए मैं अल्टर को टैब प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह आपको अल्टर को जो टैब प्रेस करते हैं, तो आपने जितना प्रोग्राम ओपन किया है, मान लीजिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नोटपैड, तो आपको जिस प्रोग्राम में जाना है वही आपको जा सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको इस तरह स्क्रीन आ जाएगा अल्टर टैब प्रेस करने के लिए, तो आपको जिस प्रोग्राम में जाना है, आपने जो ओपन किया है, तो उसमें जा सकते हो। तो गाइस मैंने नोटपैड एमएस वर्ड ओपन किया है, तो उसमें मैं जिस प्रोग्राम में जाना है वही आप जा सकते हो। तो गाइस इस था हमारा दूसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो चलिए मैं तीसरा आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो तीसरा कीबोर्ड शॉर्टकट की है वही है फाइल सेव करने के लिए। गाइस आपको किसी भी सॉफ्टवेयर का फाइल सेव करना है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, लेकिन इस फाइल आपको सेव करना है तो आप क्या करते हैं, आपको माउस से सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आपको फाइल सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो इस तरह आपको फाइल सेव कर दे। लेकिन आपको कीबोर्ड से फाइल सेव करना है तो आपको F12 को प्रेस करना है कीबोर्ड में, तो आपका जो फाइल है वही आपको सेव का बॉक्स आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा गाइस मैंने F12 प्रेस किया, तो इस तरह सेव भी कर सकते हो। लेकिन आपको दूसरी जगह से कीबोर्ड से करना है तो आपको Ctrl+S से भी फाइल सेव कर सकते हो। तो इस तरह आपको दोनों जगह से आपको फाइल सेव करना है तो इस तरह कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद से कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे की कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो आगे कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही हमारा रीनेम करने के लिए। गाइस आपको किसी भी जो फोल्डर होता है, लेकिन इस फोल्डर को आपको नाम चेंज करना है, तो आप माउस से कैसे करते हैं, तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा नोटपैड है, लेकिन उसका जो हमारा नाम चेंज करना है किसी भी फोल्डर का, तो आपको माउस से राइट साइड क्लिक करते और राइट साइड क्लिक करने के बाद आपको रीनेम कर देते। लेकिन गाइस आपको कीबोर्ड से चेंज करना है तो आपको कीबोर्ड में F2 प्रेस करना है और F2 प्रेस करने के बाद आपको किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना है, तो इस तरह F2 से प्रेस करके नाम चेंज कर सकते हो। तो गाइस इस था हमारा कीबोर्ड की शॉर्टकट की। तो इस तरह आपको F2 से प्रेस करके नाम चेंज कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो आगे कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही है गाइस हमारा जो टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। गाइस हमारा जो एमएस वर्ड में जो हमारा टेक्स्ट है वही गाइस जो हमने अचानक से हमारा कोई डिलीट हो गया है, गाइस मैंने इस तरह सिलेक्ट किया और जो हमारा डिलीट हमने कर दिया, तो आपको कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन इस हमारा जो टेक्स्ट है वही गाइस हमारा जो डिलीट से मैंने डिलीट कर दिया है, लेकिन डिलीट को आपको वापस लाना है तो आपको कीबोर्ड से कैसे ला सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको कीबोर्ड से Ctrl+Z करना है, तो आपको जो Ctrl+Z करते हैं तो आपका टेक्स्ट अंडू हो जाएगा। तो चलिए मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। तो Ctrl+Z करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वही हमारा वापस आ जाएगा, लेकिन आपको हटाना है तो आपको Ctrl+Y से हटा सकते हो। तो इस तरह आपको अंडू रिडू करना है तो आपको Ctrl+Z और Ctrl+Y से आप कीबोर्ड से कर सकते हो। तो गाइस इस था हमारा टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए और वापस लाने के लिए। तो चलिए मैं आगे शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ।
तो गाइस हमारा जो आगे की कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही हमारा सिलेक्ट करने के लिए। गाइस आपने कई सारे जो टेक्स्ट आपने टाइप किया है तो आप सिलेक्ट कैसे करते हैं, तो गाइस आपको जो माउस से क्लिक करके सिलेक्ट कर देते हैं। तो चलिए मैं माउस से आपको बता देता हूँ कि आपको किस तरह सिलेक्ट करते हैं। तो गाइस आपको क्लिक करके जो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है इस तरह आपको माउस से सिलेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है तो गाइस आपको शिफ्ट बटन को प्रेस करना है, और शिफ्ट बटन को प्रेस करने के बाद आपको जो फोर एरो आते हैं तो इस एरो की मदद से आपको सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि मैंने शिफ्ट बटन को प्रेस किया, जो आपको एरो आता है तो इस एरो की मदद से आपको इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस आप देख लीजिए कि मैं कीबोर्ड से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट बटन को प्रेस कर देना है, और आपको एरो मदद से आपको लेफ्ट साइड राइट साइड आपको पेज अप पेज डाउन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो कैसे हमारा जो आगे की कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही है सिलेक्ट करने के लिए। तो कैसे आपको किसी भी टेक्स्ट से लेकिन आपको जो सिलेक्ट करना है तो आप क्या करते हैं, तो कैसे कभी सारे हमारा कई सारे जो पेज होता है लेकिन आपको सिलेक्ट करना है तो इस तरह आपको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आपको सभी सिलेक्ट करना है तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है, और ए प्रेस करने के बाद आपका जितना पेज है वही आपको ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस हमारा ऑल सिलेक्ट हो गए, तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करके उसको डिलीट भी कर सकते हो, और सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो आगे कीबोर्ड के शॉर्टकट की वही हमारा प्रोग्राम ऑफ करने के लिए। गाइस आपको किसी भी अपने एमएस वर्ड एक्सेल जो ओपन किए लेकिन आपको डायरेक्ट ऑफ करना है तो आपको अल्ट को F4 प्रेस करना है तो आपका ऑफ हो जाएगा। तो आपको इस तरह अल्टर F4 से आपको किसी भी प्रोग्राम को ऑफ कर सकते हो। तो चलिए मैं अल्टर F4 को प्रेस कर देता हूँ, तो कैसे हमारा जो MS वर्ड है वही हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आप देख लीजिए हमारा क्लोज हो गए, तो इस तरह आपको अल्टर F4 से प्रोग्राम ऑफ कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे कीबोर्ड की शॉर्टकट की बता देता हूँ। तो कैसे हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही हमारा जो स्क्रीन करने के लिए। कैसे आपको डेस्कटॉप में स्क्रीन को ऑफ करना है तो आपको कीबोर्ड में विंडो को एल प्रेस करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड में विंडो को एल प्रेस कर देता हूँ, तो कैसे हमारा जो स्क्रीन है वही हमारा लॉक हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने विंडो को एल प्रेस कर दिया तो इस तरह आप लॉक हो जाएगा। तो आपको पासवर्ड टाइप करके आपको ओपन कर सकते हो। तो इस तरह आपको स्क्रीन लॉक करना है तो आपको कीबोर्ड में विंडो एल प्रेस कर सकते हो। तो चलिए मैं आगे कीबोर्ड की शॉर्टकट की बता देता हूँ। तो कैसे हमारा जो आगे की कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही हमारा ब्राउजर के लिए। तो कैसे आपको किसी भी जो ब्राउजर ओपन करते हैं लेकिन आपको न्यू टैब में जाना है। कैसे आपको कई सारे जो वेबसाइट आपने यूट्यूब ओपन किए लेकिन आपको जो न्यू टैब में जाते हैं तो आपको माउस से क्लिक करते हैं, लेकिन आपको कीबोर्ड से जाना है न्यू टैब लेना है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है। तो चलिए मैं कंट्रोल टी को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो न्यू टैब हमारा ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कंट्रोल टी को प्रेस करना है तो आपका जितना न्यू टैब लेना है वही आपको ले सकते हो। तो चलिए मैं कंट्रोल टी को प्रेस कर देता हूँ, तो इस तरह आपको न्यू टैब कंट्रोल टी से ले सकते हो। तो आपको माउस को टच करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए कि हमारा न्यू टैब ओपन हो गया है, तो इस तरह कंट्रोल टी से कर सकते हो। लेकिन एक टैब से आपको दूसरा टैब में जाना है तो गाइस आपको क्या करना है, आप तो कंट्रोल टैब को प्रेस करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड से कंट्रोल टैब को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो एक टैब से दूसरा टैब में जाना है तो आप जा सकते हो। तो आप देख लीजिए कि मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल को टैप कर देता हूँ तो हमारा जो किसी भी हमारा जो टैब है उसमें आपको जाना है, तो आपको फर्स्ट में आना है, लास्ट में आपको सेंटर में आना है। तो इस तरह आपको कंट्रोल टैब बटन को प्रेस करना है तो आपको किसी भी आपको टैब में जा सकते हो। तो चलिए मैं कंट्रोल टैब को प्रेस कर देता हूँ तो आप देख लीजिए कि आपको किसी भी टैब में जाना है वही आपको जा सकते हो। तो इस तरह इस ब्राउजर में आपको न्यू टैब लेना है और आपको किसी भी टैब में जाना है तो इस तरह जा सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो आगे की कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही है गाइस हमारा ब्राउजर के लिए। तो गाइस आपको किसी भी ब्राउजर में ओपन करते हैं लेकिन ओपन करने के बाद आपने कई सारे जो उसमें साइट ओपन किए, यूट्यूब ओपन किए, किसी भी आपने जो उसमें प्रोग्राम ओपन किए लेकिन इसका आपको हिस्टोरी ओपन करना है तो आपको कैसे कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कीबोर्ड से
स्टोर के से देख सकते हो। तो गाइस आपको कीबोर्ड में आना है और कीबोर्ड में आने के बाद आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है और आपको जो कंट्रोल एच प्रेस करते हैं तो आपका जितना जो स्टोरी है वही आपको ओपन हो जाएगा। आपको जो एक वीक का जो आपको एक मंथ का जो स्टोरी है वही आपको टुडे का जो स्टोरी है वही आपको ब्राउजर में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि हमारा स्टोरी आ गए। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एच को प्रेस करके ब्राउजर में स्टोरी आप देख सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही है एमएस वर्ड के बारे में। तो गाइस हमने जो एमएस वर्ड में कई सारे जो पेज टाइप किया है लेकिन उसमें जो वर्ड को हमें फाइंड करना है तो आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको आ जाना है कीबोर्ड में और कीबोर्ड में आने के बाद आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना है और कंट्रोल एफ को आप प्रेस करते हैं तो आपका फाइंड का बॉक्स आ जाएगा। तो हमारा जो बॉक्स है वही आ गया है। तो उसमें आपको वर्ड टाइप करना है और वर्ड टाइप करने के बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है तो हमारा जो नेक्स्ट फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो फाइंड आप कर रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको टाइप होना चाहिए तो भी आप वर्ड उसमें फाइंड कर सकते हो। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से फाइंड करना है तो आपको कंट्रोल एफ से वर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको शॉर्टकट की बता दी है। इस शॉर्टकट की गाइस आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की है वही है मेनू के बारे में। तो गाइस आपको किसी भी मेनू में जाना है, मान लीजिए हमारा एमएस वर्ड मैंने ओपन किया है तो आपको किसी भी मेनू में कीबोर्ड से जाना है तो आपको अल्टर प्रेस करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड में अल्टर प्रेस कर देता हूँ और अल्टर प्रेस करने के बाद आपको इंसर्ट मेनू में जाना है तो आपको आई प्रेस करना है, व्यू मेनू में जाना है तो डब्ल्यू प्रेस करना है। तो चलिए गाइस मैंने डब्ल्यू प्रेस कर दिया और जूम बटन पे जाना है तो आपको क्यू टाइप करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड में क्यू टाइप कर देता हूँ तो हमारा जूम बॉक्स ओपन हो गया है। तो उसमें सेट कर सकते हो, तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है तो भी आ सकते हो। तो इस तरह आपको किसी भी मेनू में जाना है तो आपको कीबोर्ड में अल्टर प्रेस करना है और अल्टर प्रेस करने के बाद आपको इस तरह आपको जा सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही है प्रोग्राम को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए। गाइस मान लीजिए गाइस मैंने एमएस वर्ड को ओपन किया लेकिन उसको जो मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ तो आपको कीबोर्ड से विंडो को डिप्रेस करना है तो हमारा जो प्रोग्राम है वही मिनिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करना है तो फिर से आपको विंडो डी को प्रेस कर सकते हो। तो इस तरह आपको किसी भी प्रोग्राम को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है तो कीबोर्ड में आपको विंडो डी को प्रेस करके कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही है ब्राउजर के लिए। तो गाइस आपको किसी ब्राउजर ओपन कर लिया है लेकिन उसमें कई सारे आपको जो फाइल है लेकिन इस फाइल गाइस आपको डाउनलोड हो रहा है लेकिन आपको पता नहीं है और आपको जो देखना है तो गाइस आपको कीबोर्ड से कैसे देख सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा किसी भी ब्राउजर में जो डाउनलोड फाइल हो रहा है लेकिन आपको देखना है तो कंट्रोल जे प्रेस करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड में कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो गाइस हमारा जो डाउनलोड का ऑप्शन है वही हमारा आ जाएगा। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करके डाउनलोड का ऑप्शन देखना है तो इस तरह आपको किसी भी ब्राउजर में देख सकते हो। तो गाइस आप देख लीजिए कि हमारा डाउनलोड का जो ऑप्शन है वही हमारा आ गया है। तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कंट्रोल जे को प्रेस करके आप देख सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की वही है फाइल के बारे में। तो गाइस आपको किसी भी फाइल है लेकिन आपको कीबोर्ड से डिलीट करते हैं तो इस फाइल गाइस आपको रिसाइकल बिन में ऐड हो जाता है लेकिन आपको कीबोर्ड से ऐसी फाइल डिलीट करें कि आपको रिसाइकल बिन में भी न जाए तो आप कीबोर्ड से कैसे कर सकते हो। तो गाइस आपको कीबोर्ड में आपको शिफ्ट को डिलीट करना है और शिफ्ट बटन को डिलीट प्रेस करते हैं तो इस फाइल है इस फाइल आपको डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा और इस फाइल है वही आपको रिसाइकल बिन में भी ऐड नहीं होगा। तो इस तरह आपको डायरेक्ट फाइल को डिलीट करना है तो आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को डिलीट बटन को प्रेस करना है और इस फाइल को आपको डायरेक्ट इस तरह फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही हमारा प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। गाइस हमें किसी भी जो प्रोग्राम ओपन करते हैं तो वही हमारा टास्क बार जो पट्टी आता है उसमें होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो गाइस मैंने नोटपैड और एमएस वर्ड को ओपन किया है, लेकिन इस प्रोग्राम को हमें जो कीबोर्ड से डायरेक्ट ओपन करना है तो आप कैसे कर सकते हो, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको कीबोर्ड में आना है, कीबोर्ड में आने के बाद आपको विंडो बटन को प्रेस करना है और आपको जो हमारा नोटपैड है वही हमारा फाइल नंबर में, तो मैं विंडो की को फाइल नंबर को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो नोटपैड है वही हमारा नोटपैड ओपन हो जाएगा। तो इस तरह आपको विंडो की को किसी भी नंबर में आपका प्रोग्राम है वही नंबर टाइप करके आप ओपन कर सकते हो। तो कैसे हमारा नोटपैड ओपन हो गए, लेकिन हमारा जो 6 नंबर में जो हमारा एमएस वर्ड था, तो मैं कीबोर्ड में विंडो की को 6 नंबर प्रेस करता हूँ तो हमारा एमएस वर्ड है तो इस एमएस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि मैंने कीबोर्ड में विंडो 6 को प्रेस किया तो हमारा एमएस वर्ड ओपन हो गया है। तो आपको इस तरह किसी भी प्रोग्राम में तो इस तरह आपको विंडो की को नंबर से आप ओपन कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही हमारा फाइल एक्सप्लोरर। तो गाइस आपको जो डायरेक्ट कीबोर्ड से आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करना है तो आपको कीबोर्ड में विंडो ई प्रेस करना है। तो चलिए मैं कीबोर्ड में विंडो को ई प्रेस कर देता हूँ तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। तो आपको इस तरह कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद से आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर सकते हो। तो आप देख लीजिए कि हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गए, तो इस तरह आपको कीबोर्ड से कर सकते हो। तो चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। कैसे हमारा जो इस कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही हमारा स्क्रीन को जूम करने के लिए। कैसे हमारा जो किसी भी जगह के हमारा जो माउस का पॉइंटर है, लेकिन इस जगह से आपको स्क्रीन को जूम करना है तो आपको कीबोर्ड से कैसे कर सकते हो। तो कैसे आपको कीबोर्ड में विंडो की को प्रेस करके प्लस पे क्लिक कर देना है तो हमारा जो स्क्रीन है तो इस स्क्रीन हमारा इस जगह पे जूम हो जाएगा। तो इस तरह आपको कीबोर्ड में विंडो की को प्लस कर देना है तो हमारा जो स्क्रीन है वही हमारा स्क्रीन हो रहा है, लेकिन माइनस करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है वही आपको स्क्रीन जूम इन जूम आउट हो जाएगा। तो इस तरह आपको विंडो की को प्रेस करके प्लस माइनस कर सकते हो आपको स्क्रीन को जूम करने के लिए। तो इस तरह आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की से आपको स्क्रीन को जूम करना है तो जूम पिक कर सकते हो, और जूम आउट करना है तो आपको प्लस माइनस करके आप भी कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ। कैसे हमारा जो नेक्स्ट कीबोर्ड की शॉर्टकट की है वही है ब्राउजर के लिए। तो कैसे आपको किसी भी ब्राउजर ओपन करते हैं, लेकिन उसमें आपको सर्च बॉक्स में जाना है तो आपको कीबोर्ड से कैसे जा सकते हो। तो कैसे आपको कीबोर्ड में आना है, कीबोर्ड में आने के बाद आपको अल्ट डी को प्रेस करना है। तो चलिए मैं अल्ट डी को प्रेस करता हूँ तो हमारा जो सर्च बॉक्स है वही हमारा सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो उसमें आपको सर्च करके एंटर प्रेस कर सकते हो। तो इस तरह आपको ब्राउजर में सर्च बॉक्स में आप जा सकते हो। तो गाइस मैंने जो आपको 20 कीबोर्ड की शॉर्टकट की आपको गाइस मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिए, तो इस तरह आपको पीसी या लैपटॉप में यूज कर सकते हो। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।